तो राम की तपोभूमि चित्रकूट में सभी दोस्तों का स्वागत है। तो दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं राजापुर के तुलसी मंदिर से चित्रकूट धाम की तरफ। तो आप देख रहे हैं मेरी अयोध्या टू श्रीलंका की ये यात्रा, उसमें तीसरे दिन हम पहुंचने वाले हैं चित्रकूट। तो चला शुरू करूया या तीसरा दिवसाचा आपला प्रवास। सुप्रभात मित्रांनो, आपण थांबलो होतो राजापूरमधलं हे तुलसी मंदिर आहे आणि ह्या तुलसी मंदिरमध्ये आपण आज थांबलेलो होतो। तुम्हाला मी रूम दाखवतो, मला दिला होता तो, हा रूम दिला होता मला, एक बेड आणि छोटासा रूम होता। आणि हा जो रूम आहे आपला, हा आहे बरोबर तुलसी मंदिर आहे ज्या खाली त्याच्याच उभार हा रूम आहे। हा कळस दिसतोय तुम्हाला मंदिराचं, म्हणजे मंदिराचं आजचं वास्तव्य माझं राहिलं। आणि हे जे मागं धुकं दिसते ते पूर्ण यमुना नदीवरच्या परिसरामध्ये हे पसरलेलं धुकं आहे। और यमुना नदी के किनारे ही हमने कल रात बिताई। तो आज सबसे पहले तुलसी मंदिर का दर्शन करेंगे और जाएंगे चित्रकूट की तरफ। प्रभु श्री राम ने सबसे ज़्यादा वनवास काल में अपना समय जिस जगह व्यतीत किया, ऐसी चित्रकूट धाम के लिए हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे। और ये देखिए, ये है मंदिर का गेट। इस रास्ते से मैं आया था कल, इस रास्ते से मैं आया और इस गेट से अंदर जाके वो जो है वो पूरा यमुना नदी का परिसर है। यहाँ भी तुलसीदास रचित रामचरित मानस की जो ग्रंथ है वो यहीं पे रचित हुआ है। और यहाँ पे तुलसीदास की जन्मस्थली है और ये जो फैली हुई पूरी यमुना। तो शुरू करते हैं आज का सब। तो आप देख रहे हैं मेरी अयोध्या टू श्रीलंका की यात्रा। अगर चैनल पे नए हो तो बाकी के वीडियो देखकर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए अपना चैनल जगवेंचर जी। तो चले शुरू करते हैं आज का सफ़र राजापुर टू चित्रकूट। जय श्री राम। तो इधर ऊपर मेरा कमरा था दोस्तों, और अभी मेन गेट बंद है तो मैं पीछे के गेट से आया, क्योंकि अभी तक पुजारी आए नहीं है यहाँ तक, यहाँ जहाँ जिन्होंने मुझे कमरा दिलाया। और ये है मंदिर पूरा। रात को बहुत अंधेरा था, मैं आपको दिखा नहीं पाया। ये देखिए, ये श्री संत तुलसी संत निवास। यहाँ पे मैं ऊपर रुका था। और ये है श्री तुलसी जन्म कुटीर, तुलसी मंदिर राजापुर का, तुलसीदास जी की जन्मस्थली ये राजापुर। और यहीं पे मेरा स्टे हुआ। मैं अपने भाग्य समझता हूँ कि मेरी इस लंबी यात्री की जर्नी में मुझे एक ऐसी जगह देखने को मिली कि जहाँ मैं ठहर के अपना समय व्यतीत कर पाऊँ। तर खूप चांगलं वाटलं मित्रांनो, मला वाटलंसुद्धा नव्हतं का मी इथं येऊन राहील, आणि मला हे स्थान माहीतसुद्धा नव्हतं का इथं राजापूरमध्ये अशा तुलसीदासांचं जन्मस्थान आहे तिथं। परंतु त्या ब्रिजवरून आलो तर दिसत नसेल आता तो धूप धुक्यामध्ये तुम्हाला, परंतु खरोखर एकदम छान वाटलं मला इथं राहून। आणि आपणली श्रीराम यात्रा जसजशी पुढं जाती तसतसे नवीन नवीन ठिकाणं आपल्याला जोडत जात आहे। काल देखील आपल्याला माहीत नव्हतं प्रयागराजमध्ये भारद्वाज ऋषींचा आश्रम आहे का जिथं प्रभू श्रीरामांनी वास्तव्य केलं, पण अचानक माझं लक्ष गेलं आनंद भवनच्या समोर, तर तिथं देखील गेलो। आणि काल जेव्हा मी चित्रकूटकडे जात होतो तेव्हा मला माहीत नव्हतं का इथं असं आहे, तर मग मला तिथं रस्त्यात थांबून त्या मुलांनी, तुम्ही तो व्हिडिओ पाहिलाच असेल कालचा, त्यांनी सांगितलं का सर तुम्ही तिथं जा राजापूरमध्ये, तिथं मुक्काम करा, तुलसीदासांचं जन्मस्थान ज्यांनी रामचरित मानसची रचना केली। आणि यमुना नदीच्या किनारी आपण आता धुका असल्यामुळे एवढं नीट दिसत नसेल, परंतु मी तुम्हाला पूर्ण दाखवण्याचा प्रयत्न करतो। थांबा, आपण खाली जाऊन यमुनेचं दर्शन करू आणि मग आपली पुढची जर्नी दिवस 3 ची। आणि हा यमुना नदीचा तट आपण पाहत आहोत, एकदम छान। आणि सकाळचं एकदम
सुमधुर वातावरण, रात्रभर इथं राम भजन राम कीर्तन चालू होतं, आता देखील चालूच आहे, तुम्हाला आवाज येत असेल तर. आता वरती जाऊ परत आपण मंदिराजवळ, जिथं सायकल लावलेली, सायकल घेऊ आणि तुम्हाला मी तो मंदिर दाखवतो जिथं रामचरित मानसची त्यांची रचनाचं मंदिर इथं राजापूरमध्ये, ते पाहू आणि आपला दिवस तीनचा प्रवास हा सुरू करू. राजापूर में ही अभी हम तुलसी मंदिर जन्म स्थान के दर्शन करके जब आगे आते तब ये है श्री रामचरित मानस मंदिर. गोस्वामी तुलसीदास जी की हस्तलिखित रामचरित मानस अयोध्या कांड के दर्शन जो हमें होते हैं वो यही होते हैं. स्टार्टिंग राइट. और शुरू हो गया हमारा सफ़र यहाँ से, राजापुर से. ये छोटे छोटे मंदिर और काफ़ी अच्छी जगह है दोस्तों ये. जब मैं रात को जब आया तो बहुत अंधेरा हो चुका था और आगे रास्ता बहुत ही ख़राब है, तो मैं अभी कैमरा बंद करता हूँ. आप देख रहे हैं राजापुर. अभी लगेंगे हम यहाँ से चित्रकूट के हाईवे के लिए और यही से नज़दीक 15-20 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है नांदी तोरा, जो हनुमान जी है. और हनुमान जी की जो त्रेता युग की जो मूर्त है जो गुरुजी ने मुझे कल बताया वो नांदी तोरा में है, और लेटे हुए हनुमान जी वो प्रयागराज में है. तो देखते हैं नांदी तोरा होके जाएंगे नहीं तो डायरेक्ट चित्रकूट जाएंगे. विजिबिलिटी एकदमच कमी आहे, एकदम धूसर दिसते आणि फार मोठ्या प्रमाणात धुकं येईल. आणि इथलं खास वैशिष्ट्य मला असं दिसते, राजापूरपासून पुढं जसं जातो आहे मी, हे छोटे छोटे घर आणि त्यांच्या पुढं हे सारवलेले ओटे, सारवलेले ओटे त्यांना रंग दिलेले आहे. तर सुरू आहे आपला चित्रकूटचा प्रवास. आता लागेल पुढं पहाडी, पहाडीनंतर करवी आणि करवीनंतर चित्रकूट. आणि आज आपला प्रवेश होईल उत्तर प्रदेशमधून मध्य प्रदेशमध्ये, कारण की चित्रकूट हे अर्ध उत्तर प्रदेशमध्ये येतं आणि अर्ध मध्य प्रदेशमध्ये. तो चित्रकूट जाते समय हम रुके हैं भाई साहब के छोटे से ढाबे पे, और ये गांव देखिए मस्त व्यू दिख रहा है पूरे गांव का. ये देखिए ये जबरदस्त. आणि मी जेव्हा इथं आलो तर ते सगळेजण सायकल पाहत होते, कशी सायकल दिसते हे काय हे का होता रा. ते आपलं मी पुढं मोबाईल ठेवलेले ना पॉकेट, तर ते म्हणतात अरे हे देखत नाही हे का आहे बा. असं व्हायला लागलं. आणि हे बघा मी तुम्हाला ओटे दाखवणार होतो, हे बघा हे गावातले हे छोटे छोटे ओटे आणि मस्त दिसतंय सर्व. ॲक्च्युली मला तुम्हाला गाव दाखवायचं होतं, उत्तर प्रदेशमधले गावं कसे असतात, छोटे छोटे हे घर, त्याच्यासमोरील हे ओटे आणि हे तलाव जे आहे याच्यामधूनच ते सिंगाडा काल जे आपण खाल्लं याच्यातूनच घेतात आणि याच्यातूनच ते बनवतात.
तो मैं आपको दिखाना चाहता था दोस्तों कि यूपी के ये छोटे छोटे गांव कैसे रहते हैं और इन गांव में कैसे जीवन है। ये देखिए अभी ये बहुत ही सुंदर तरीके से अपने घर को सजाया हुआ, सीमेंट का घर नहीं दिखाई देता, मिट्टी के घरों में रहने की मजा अलग है। और मिट्टी के घर ये यूपी के गांवों की शान है। चहा घेतल्यानंतर आता आपण बनवतोय ते बेसनचा बंडा। आता काय माहिती कसं बनवलं आणि काय। तो हम पहुंचे हैं पहाड़ी में और यहाँ से ही रास्ता जाता है। कल जो तुलसी मंदिर में गुरुजी ने बताया था कि नांदी धाम के श्री हनुमान जी का मंदिर है वो यहीं से रास्ता जाता है। 7 किलोमीटर है और उससे आगे भोरी है। तो नांदी हनुमान जी की उन्होंने कल बताया कि वो त्रेता युग की एक ही मूर्ति ऐसी है जो पाताल में गड़ी हुई मूर्ति है। पूरे भारतवर्ष में ऐसी ही हनुमान जी की नांदी में जो पाताल में गड़ी हुई। अंग्रेज़ों ने तब उसको खुदाई करके निकालना भी चाहे लेकिन वो खोदते गए। बाद में पानी लगा उधर लेकिन हनुमान जी का मूर्ति का अंत नहीं मिला। इसलिए इस नांदी हनुमान जी का बहुत महत्व है और ऐसे ही हनुमान जी का मंदिर का अब अभी यहीं से दर्शन करते हैं और चलते हैं अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हैं चित्रकूट की तरफ। तो आप देख रहे हैं अयोध्या टू श्रीलंका का मेरा ये 3रे दिन का सफ़र जिसमें हम पहुंचे थे पहाड़ी और आगे जा रहे हम चित्रकूट की तरफ। और ये पीछे जो अपने भाई साहब सब खड़े हैं सब पहाड़ी निवासी। जी जी। तो नांदी हनुमान जी जाना था लेकिन अभी दूर पड़ेगा मुझे। हाँ 7 किलोमीटर। मैंने सुना था कि वो पाताल में गड़ी हुई एक ही पूरे भारतवर्ष में ऐसी एक ही मूर्ति है। यू आर राइट। और एक प्रयागराज की जो लेटी हुई है। तो दोबारा जब आऊँगा तो बिल्कुल जाऊँगा नांदी हनुमान। तो अभी तो जा रहे चित्रकूट की तरफ। तो चलते हैं। सबको धन्यवाद। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय 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 जय। तो पहाड़ी से लगभग 10 किलोमीटर आगे आए हम और जो रास्ता राजापुर से चित्रकूट का है दोस्तों वो पहाड़ी तक तो बिल्कुल ही खराब रास्ता है। पहाड़ीच्या पुढे जाऊ आपण तो तेव्हा रस्ता चांगला लागतो आपल्याला। आणि कवळ ऊन आहे त्याच्यामुळं काही अजून वाटत नाही पण परंतु जसजसं ऊन वरील तसतसं थोडी थकावट जाणवायला लागते आपल्याला। अयोध्येपासून राईड सुरू केली आपण। अयोध्येनंतर नंदीग्राम, सुलतानपूर, प्रयागराज, शृंगवेरपूर, नंतर समदा, राजापूर आणि नंतर आलो आपण पहाडी। पहाडीपर्यंत म्हणजे इथपर्यंत राईड करू सर मला एक सुद्धा डोंगर दिसला नाही कुठंच। कहीं भी मुझे एक भी पहाड़ नज़र नहीं आया पहाड़ी तक। लेकिन जैसे ही हम पहाड़ी से चित्रकूट की तरफ बढ़ रहे तब एक पहाड़ नज़र आ रहा है जिसका नाम है, अभी कुछ तो भी नाम बताए मुझे पीछे त्यांनी काहीतरी त्यांच्या भाषेतलं नाव सांगितलं आहे। बघा समोर तो डोंगर दिसतो आहे, कॅमेऱ्यात दिसत नसेल नीट। बडवारा, हा बडवारा, बडवारा का काहीतरी नाव सांगितलं तोच हा डोंगर। महाराष्ट्रात जर आत्तापर्यंत राईड करत असतो तर एवढ्या दिवसात आपण कित्येक घाट
चढ़ून उतरले असते सह्याद्री आपल्या सोबतच राहतो जेव्हा आपण महाराष्ट्रात सायकलिंग करतो तेव्हा। हे बघा इथून दिसत आहे, हां नाही क्लियरिटी, हां ते बघा समोर दिसतोय तो तिकडं, तर करवी येईल आता 5-6 किलोमीटर वरून पुढे येईल चित्रकूट। तो भगवान राम की तपोभूमि में आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत है। हनुमान धारा 13, राम दर्शन 14, सत्य अनुसैया 25, इस प्रकार अभी ये सफर हमारा पहुंच गया है चित्रकूट। वेलकम टू चित्रकूट। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं चित्रकूट, और चित्रकूट धाम में एंटर करने से पहले ये सबसे बड़ा बोर्ड आपको दिखाई देगा, तपोभूमि में अभिनंदन। तो मित्रांनो फायनली पोहोचलोय आपण चित्रकूटमध्ये, आणि चित्रकूटमध्ये माहेश्वरी सदन त्याच्या शेजारी घेतलाय मी रूम। हा डबल रूम आहे, डबल रूम म्हणजे कसा माहिती आहे का, हे बघा हा एक रूम आहे, हा एक रूम आहे आणि झाला डबल रूम। अब अकेला आदमी डबल रूम का क्या करेगा भाई, उसको सिंगल दिया तो भी चलेगा। 44.5 किलोमीटर आपला पोहोचला चित्रकूटमध्ये, आणि अयोध्या टू श्रीलंका यात्रेचा तिसऱ्या दिवसाचा मी मुक्काम करतोय तो चित्रकूटमध्ये, कारण की चित्रकूटमध्ये बरेचसे ठिकाणं अशी का जी आपण पटपट पटपट कवर नाही करू शकणार। आनंद वाटतोय का आपला प्रवास हा प्रभू श्री रामचंद्रांनी ज्या चित्रकूटमध्ये सर्वात जास्त काळ व्यतीत केला इथं पोहोचला, श्रीराम यात्रा इथं पोहोचली, सर्वांच्या आशीर्वादाने आज इथपर्यंत सायकलवर पोहोचलो, त्याबद्दल आनंद वाटतोय। आणि व्हिडिओ इथंच एंड करतो, जर व्हिडिओवर नवीन असाल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि बघत राहा आपलं चॅनल जग वेंचर जी। जय हिंद, वंदे मातरम, प्रभू श्री रामचंद्र की जय।